हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो से सीखने वाले हैं कि जैसे कि हम लोग शुभकामना देते हैं हर एक त्यौहार में, तो हम लोग लक्ष्मी पूजा अर्थात दीपावली का शुभकामना हम लोग कैसे बनाएंगे, होर्डिंग बोर्ड, शुभकामना बोर्ड, तो हम लोग इसी वीडियो से सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो छोड़ करके कहीं मत जाइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जाएंगे गूगल में, सबसे पहले जो है अपना फ़ोटो जो हम लोग शुभकामना में लगाएंगे तो उसका बैकग्राउंड कैसे हम लोग चेंज करते हैं वह सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिमूवर लेकर के सर्च करेंगे। इस तरह से दोस्तों देखिए, सर्च करने के बाद रिमूव बैकग्राउंड रिमूव पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, इधर जो है अपलोड इमेज जो दिखा रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग को क्या करना है, इधर से हम लोग जो अपना फ़ोटो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो इधर से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग फ़ोटो में आ जाएंगे। फ़ोटो में आने के बाद दोस्तों इस तरह से अपना फ़ोटो जहाँ पर भी होगा उधर से हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो मैं इसको ही रिमूव कर दे रहा हूँ। इस तरह से रिमूव हो जाएगा, उसके बाद डाउनलोड हम लोग कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, इसी गूगल में जा करके हम लोगों को एक सर्च करना है जो बैकग्राउंड होता है शुभकामना का, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो इधर से हम लोग लिखेंगे टोटल PNG, सर्च करेंगे। उसके बाद इस तरह से इंटरफेस कुछ दिखाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए शुभकामना का जो है हमारा PNG ये सब बैकग्राउंड दिखा रहा है। तो जो भी आप लोगों को पसंद हो इसमें से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं इसको डाउनलोड करके ऐसे ऐड आ जाएगा, उसके बाद इसे काट दीजिएगा आप। इसे काटने के बाद इसमें से आप लोग जो पसंद आएगा तो आप लोग इसमें से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सो दोस्तों मैं डाउनलोड पहले से ही कर चुका हूँ, तो आप लोग इधर से डाउनलोड करके, डाउनलोड करना प्रोसेस क्या है आप लोगों का, इधर मान लीजिए इसे आप लोगों को चाहिए तो इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से दिखाएगा, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से दिखाएगा, उसके बाद इसे टच करके रखना है, उसके बाद डाउनलोड इमेज पे ओके कर देना है। उसके बाद देखिए डाउनलोड हो गया। अब इतना प्रोसेस करने के बाद दोस्तों हमारा फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो गया, उसके बाद बैकग्राउंड हम लोग को जो है पोस्टर मिल गया। तो अब हम लोग को एक एप्लीकेशन का ज़रूरी पड़ेगा, तो वह एप्लीकेशन क्या है आप लोग को इधर से मैं बता दे रहा हूँ, पिक्सल लैब, इसे देख रहे हैं, पिक्सल लैब आप लोग को जरूरी पता है। पिक्सल लैब आप लोग इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से, उसके बाद पिक्सल लैब ओपन करिएगा। इस तरह से ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाएगा। हम लोग प्लस आइकन पे जाएंगे, ये जो टेक्स्ट है इसे डिलीट कर देंगे हम लोग। उसके बाद प्लस आइकन पे जाएंगे, उसके बाद फॉर्म गैलरी जाएंगे। तो हम लोग जो बैकग्राउंड अभी डाउनलोड किए हैं तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, इधर लगाएंगे। तो जिस पे आप लोग का बनाना है उसी को आप लोग क्या करिएगा, लगा दीजिएगा। तो मैं अभी इसको सेलेक्ट कर लेगा रहा हूँ, उसके बाद इस पे ओके कर देंगे हम लोग। ओके करने के बाद हम लोग इसे जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद दोस्तों देखिए अब कुछ इस तरह से अच्छे तरीके से आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद अब देखिए इधर थोड़ा बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इमेज साइज पे जाएंगे। इमेज साइज पे जाने के बाद हम लोग इसे थोड़ा कम कर देंगे, इसे हम लोग कितना कर लेंगे, 30 कर देंगे। अब 30 करने के बाद दोस्तों देखिए अच्छे तरीका से हो गया हमारा, फिर फाइनल हो गया। तो इस तरह से हम लोग को कर लेना है। तो इस तरह से फिट करके उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इस पर क्लिक करके इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों अब हम लोग को फिर से 3 डॉट पे जाना है, उसके बाद इमेज हम लोग को प्लस आइकन पे जाना है दोस्तों, उसके बाद फॉर्म गैलरी में जाना है, उसके बाद हम लोग को एल्बम में जा करके जो अभी बैकग्राउंड हम लोग चेंज किए हैं उस पर जा करके ओके कर देना है।
तो इस तरह से आप लोग इसे ओके कर दीजिएगा। उसके बाद इसे इसका साइज जो है घटाकर आप लोग को इधर जो लगाना है जिस साइज में उतना ला करके रख दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए बॉक्स में एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद अब हम लोग का अपना नाम और उसके बाद एड्रेस लिखना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस आइकन पे आएंगे, उसके बाद टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे आने के बाद इसे हम लोग इधर लाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको दोस्तों इस पे आएंगे, उसके बाद एडिट पे जाएंगे। अब हम अपना नाम इधर हम लोग लिखेंगे। तो इस तरह से ओके कर देंगे। उसके बाद इसका जो है फंट जो है इधर से हम मिला लेंगे, थोड़ा फंट, उसके बाद कलर सब मिला लेंगे। तो हम लोग फंट इधर से बोल्ड वाला ले लेंगे। तो इसे हम लोग ओके कर देंगे। उसके बाद इसे थोड़ा साइज जो है कम करना है, तो इसको इधर से कम कर लेंगे। कम करके उसके बाद इसमें जो है हम लोग को स्ट्रोक जो दिखा रहा है इस पर जा करके इनेबल कर देंगे। जो आउटर लाइन है वो आप लोगों को बोल्ड हो जाएगा। इस तरह से इसे भी हम थोड़ा थोड़ा सब मिला करके कर देंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद ये वाला भी, इनर वाला भी हम लोग ऐसे कर देंगे। उसके बाद दूसरा कलर जो है हम लोग को चूज करना है, तो ये देखिए ओके कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखिए नाम भी हमारा कुछ इस तरह से हो गया, ऐसे कर देंगे। उसके बाद कलर थोड़ा दूसरा कर देंगे। इस तरह से देखिए ओके कर देंगे। उसके बाद इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। अब हम लोग को अपना एड्रेस लिखना है, तो इसी को कॉपी करके हम लोग एड्रेस लिख लेंगे। एड्रेस को जो है इसे बोल्ड हम लोग नहीं रखेंगे, तो फ्रंट में जा करके हम लोग क्या करेंगे, इधर से चेंज कर देंगे। तो चेंज कर देंगे, उसके बाद इसे थोड़ा छोटा हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से छोटा करके इधर लगा देंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर भी इधर छोड़ सकते हैं। तो इसे फिर से हम लोग कॉपी करेंगे, उसके बाद इधर रखेंगे। इधर रखने के बाद एडिट कर देंगे हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर। आप लोग क्या करिएगा, ये आपका रेडी हो गया, शुभकामना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सेव करने के लिए इधर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव एज प्रोजेक्ट पे आप लोग करके इसे इस एप्लीकेशन में सेव कर सकते हैं। उसके सेव एज इमेज पे जा करके आप लोग इमेज भी सेव कर सकते हैं। तो हम लोग सेव एज इमेज में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग इधर से क्वालिटी भी चेंज करेंगे। जो है क्वालिटी हमारा वेरी हाई पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इधर से गैलरी पे ओके कर देंगे। सो दोस्तों तरह से आप लोग का शुभकामना जो है मन के रेडी हो गया। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी दबाइए, जो कि मेरा हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो गाइस, धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो।